लेकिन सवाल ये कि जो वेन्यूज हैं पाकिस्तान के बड़े खतरनाक वेन्यू से रख दिए इन्होंने इंडिया वालों ने। सर ये तो बहाना है ना, अब पाकिस्तान को डरना नहीं चाहिए और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए जो मतलब पाकिस्तान की, यानी आप कह रहे हैं कि वेन्यूज पे रखा गया है, पाकिस्तान को चाहिए ब्रेवरी शो करे और खेले चेन्नई में जाके। हेलो, दिस इज वलीद रौफ एक और पब्लिक डायरेक्टर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पीसीबी के अंदर काफी सारे चेंजेस होने जा रहे हैं। पीसीबी के चेयरमैन नजम सिद्दीकी साहब अब चेयरमैनशिप से हट चुके हैं, उनकी जगह ज़का अशरफ या कोई और बंदा आ सकता है, लेकिन कहा जा रहा है कि ज़का अशरफ ही आएंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो नजम सिद्दीकी साहब ने पाकिस्तान को 4 मैचेस का तोहफा दिया एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल के तहत, क्या वो पाकिस्तान की जीत है? क्योंकि काफी सारे लोग इससे नाखुश है, लोग चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर ज्यादा से ज्यादा मैचेस हो, पाकिस्तान के अंदर जिसे कहते हैं ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट हो। तो आपको क्या लगता है, मैं लोगों से आके पूछूंगा तो उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा कि उनको लगता है कि एशिया कप में जो पाकिस्तान के साथ मैचेस हो रहे हैं 4 मैचेस जो पाकिस्तान के अंदर होंगे वो पाकिस्तान की जीत है या नहीं? इसी के साथ साथ वर्ल्ड कप के मैचेस का जिसको कहते हैं वेन्यू का काफी सारा इशू चल रहा है। पाकिस्तानी अवाम कह रही है कि पीसीबी का बोर्ड कह रहा है कि हम जिसको कहते हैं वेन्यू से खुश नहीं है, आईसीसी को इन्होंने रिक्वेस्ट भी की है। तो अगर लोगों से आके पूछेंगे उनको क्या लगता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि उनको क्या लग रहा है कि जो वेन्यूज हैं पाकिस्तान को यहाँ पे खेलना चाहिए, इजी होकर खेलना चाहिए और पाकिस्तान के वेन्यूज चेंज होने चाहिए। आज लोगों से बातें करें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लें। वर्ल्ड कप आने वाला है, वर्ल्ड कप को आप कैसे देख रहे हैं? और सबसे बड़ी चीज के पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे वेन्यू सही नहीं रखे, तो आपकी नजर के अंदर पाकिस्तान के वेन्यू सही है क्या? नहीं 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 भाई, ये नहीं सोचना चाहिए क्रिकेटर को, क्रिकेट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। कोई बात नहीं है, जहाँ मर्जी रखें खेल के जीतना है। यानी आपका पॉइंट है कि आप प्रोफेशनल की तरह जाएं, प्रोफेशनलिज्म को उसके जिसको कहते हैं ना तरीके से जाएं और खेलें, आपका काम है टफ कंडीशन में खेलने, दिलेरे को खेलें। आप क्रिकेटर हैं, आपने प्रैक्टिस की है, आपको खेलना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि जो वेन्यूज हैं पाकिस्तान के बड़े खतरनाक वेन्यू से रख दिए इन्होंने इंडिया वालों ने। सर ये तो बहाना है ना, अब पाकिस्तान को डरना नहीं चाहिए और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए जो मतलब पाकिस्तान की, यानी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे रखा गया, पाकिस्तान को चाहिए ब्रेवरी शो करे और खेले चेन्नई में जाके, जितने भी स्टेडियम्स में इंडिया के स्टेडियम्स में मैच रखे हैं पाकिस्तान के। ये भाई की आपने बात सही, भाई कह रहे हैं कि अब जो मैच रख दिए गए तो वहां पे जाके खेलो, बुजदिली ना शो करो कि बड़े प्लेयर से कहीं भी। कुछ सही है कुछ नहीं भी सही, तो अब जीतना होगा तो अल्लाह की तरफ से जीतेंगे, मेहनत करेंगे बॉयज, तो इंशाल्लाह। क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने जो रिक्वेस्ट की गई कि हमारे वेन्यूज चेंज करें तो आईसीसी को चेंज करने चाहिए? अब वो तो आईसीसी की मर्जी है ना, अब पाकिस्तान तो रिक्वेस्ट ही कर सकता है, लेकिन अब अगर इंशाल्लाह अल्लाह की मदद होगी तो साथ जीत भी जाएंगे, चाहे वेन्यू जो मर्जी हो, जो मर्जी चाहे जो मर्जी। बात आपकी बड़ी अच्छी, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की टीम का काम है खेलना चाहे जैसे मर्जी कंडीशन हो, अगर चेन्नई के अंदर हमने अफगानिस्तान के साथ खेलना है तो हम उनके लिए भी मुश्किल होगी स्पिन को खेलना, जितना पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान की स्पिन खेलना मुश्किल होगी। तो फिर जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी टीम का पूरी तैयारी से करके जाए वर्ल्ड कप के अंदर, हर चीज को फेस करे, कंडीशंस तो जिसको कहते हैं हर जगह टफ होती हैं। हाँ ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, इतनी देर से लगे हैं, प्रैक्टिस करके जाएंगे इंशाल्लाह, अफगानिस्तान से तो इंशाल्लाह जीतेंगे, इतनी मर्जी टफ टीम हो जाए अफगानिस्तान। जी जी हम खुश हैं, मैचेस हमें देखने का मजा आएगा, अच्छे मैचेस होंगे, बाकी पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला जीतेगा वर्ल्ड कप, हमें ये खुशी है। आपको उम्मीद है पाकिस्तान को जो टफ कंडीशन का पाकिस्तान इशू बना रहा है वो इशू इतना नहीं है? नहीं नहीं पाकिस्तान बस ऐसे ही कर रहा है, बहरहाल इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा वर्ल्ड कप, ये मुझे पता है जी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसी उम्मीद रहनी चाहिए। वर्ल्ड कप से पहले भी पाकिस्तान टीम में चेंजेस होने नजर आ रहे हैं क्योंकि नया चेयरमैन आने वाला है। जी जी अब नया आ रहा है चेयरमैन, तो देखो अब 2-3 चेंजिंग आएंगी, बॉलर्स आएंगे 2-3, अब देखें देखते हैं क्या होगा। एशिया कप पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है, 4 मैचेस हो रहे हैं जहां पे हमने पूरा एशिया कप होस्ट करना था, 4 मैचेस होस्ट करेंगे, आपकी नजर के अंदर पाकिस्तान की जीत है क्या, जहां सारे बोर्ड इंडिया की साइड पे होके साइड लेने लग गए और पाकिस्तान के हिस्से जैसे कहते हैं पूरा एशिया कप में सिर्फ 4 मैचेस आए, तो आप क्या समझते हैं पूरा एशिया कप होना चाहिए था कि 4 मैचेस? मुझे खुशी है कि 4 मैचेस पाकिस्तान में आया, तो बाकी अब इंशाल्लाह ताला जीतेगा पाकिस्तान और बाकी जो मैच है कोई बात नहीं, 4 मैचेस। फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं है, श्रीलंका के अंदर चले वो कोई बात नहीं, अब चले पाकिस्तान में कुछ तो मैचेस हुए हैं, पहले तो एक भी नहीं हो रहा था, चलो 4 हो गए हैं मैचेस हमें, ये खुशी है। अच्छी चीज है, लोग इस चीज को जिसको कहते हैं ना गुड पॉइंट में ले रहे हैं कि पाकिस्तान में एटलीस्ट मैचेस तो हो रहे हैं, क्योंकि डर था कि पाकिस्तान में शायद एशिया कप ना हो। कुल हमारे चेयरमैन हमारा बोर्ड यही चाहता है कि पाकिस्तान में मैच हो, ताकि हमारे इमेज जो है ना पूरी दुनिया में कि ये पीसफुल कंट्री है, यहाँ अच्छा माहौल जाए, क्रिकेट हो, क्रिकेट मिलनी चाहिए,
और हम कामयाब हुए हैं इंशाल्लाह। नहीं सर, पहले आप ये देखें कि इंडिया पूरा तुला हुआ था कि एशिया कप इंडिया में ही हो, ये हमारी जीत है कि बाकी मैचेस श्रीलंका में है और चार मैचेस पाकिस्तान में है। लेकिन उन चार मैचेस के अंदर अगर हम देखें पाकिस्तान के जो चार मैचेस हैं, हमारा एक नेपाल के खिलाफ मैच है, बाकी दूसरे मैचेस होंगे, तो वहां से ये भी कहा जा रहा था कि नजम सेठी साहब की हम कोशिश करेंगे सुपर फोर का मैच भी करवाएं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब कि ये हमारे इतने मैचेस, चार हमारे मैचेस ही होते पाकिस्तान के अंदर ताकि मजा भी आता? सर आप ये देखें ना कि सबसे पहले इंडिया जो है पूरे आईसीसी पे छाया हुआ है, उनकी एडवर्टीजमेंट भी सबसे ज़्यादा होती है, उनकी बात सुनी जाती है। ये बड़ी गनीमत है कि हमारे पीसीबी ने जो है स्टेप उठाया और चार मैचेस जो है पाकिस्तान में करवाए हैं। जिस बंदे ने चार मैचेस पाकिस्तान के अंदर करवाए वो बंदा चला गया पीसीबी से, अब नया बंदा आने वाला है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? पिछले आठ महीने के अंदर तीसरा चेयरमैन पीसीबी का आने वाला सर, ये तो हमारी अब नहली है ना कि तीन चार दफा चेयरमैन जो है चेंज हो रहा है, एक दफा हम लोगों में कंसिस्टेंसी आई नहीं है। आप कह रहे हैं यानी मतलब कि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर पाई जा रही है, तो मुझे ये बताएं तो फिर जब चेयरमैन बदल जाएगा जो उन्होंने बातें कमिटमेंट की थी, क्या वो पूरी निभा पाएंगे दूसरे चेयरमैन जो आएंगे उनकी? यार पहली चीज तो चीज इनको चेंज नहीं था करना चाहिए था, नजम सेठी को रहना चाहिए था। नजम सेठी में जिसको कहते हैं ना कि धड़ल्ले वाला बंदा, स्पार्क था, बात करने वो जानता था वो किस तरह उनसे बात करनी है, लेकिन ये बंदा जो है ये खाऊ बंदा आ गया, खिलाने वाला और खाऊ खाने वाला। आपको क्या लगता है? मैं व्हाट्सएप की बात से इतफाक़ करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें नजम सेठी एक एक्सपीरियंस अपना चेयरमैन है, उसने पहले भी अभी उसने जो काम किया है, वो नया चेयरमैन आएगा वो अपनी पॉलिसी बनाएगा, देन तब तक वो भी रिटायर हो जाएगा, तो पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म्स के लिए चेयरमैन आना चाहिए। अब जो मुल्क आते हैं कुछ रह रहा है तो बस ठीक है, जो आ रहा है आने दो, नहीं आ रहा ना। सर अब ये तो पीसीबी पे जो है डिपेंड करता है वो किसको चेयरमैन रखते हैं। मेरे लिए तो मैं तो यार यही बेहतर आंसर दूंगा कि रमेश राजा को दोबारा ले आए, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उनके दौर में पाकिस्तान जो है दो दफा वर्ल्ड कप, एक दफा फाइनल में गया और एक दफा सेमीफाइनल में गया, और एशिया कप का भी फाइनल खेला है। पीसीबी को पता है कि कौन सा अच्छा आना चाहिए बंदा, कि उस लिहाज से अब उनको बेहतर पता है कि अगला देखा जाए तो नजम सेठी साहब ने काम तो बड़े किए थे, पाकिस्तान एशिया कप भी खेलेगा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी खेलेगा, क्या लगता है पाकिस्तान जीत जाएगा? इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा? मेरा फेवरेट प्लेयर मोहम्मद रिजवान है। मोहम्मद रिजवान आपका फेवरेट प्लेयर है, कोई मोहम्मद रिजवान के लिए मैसेज आपका? मोहम्मद रिजवान के लिए मैसेज यह है कि वो ढेर सारी प्रैक्टिस करें और हमें एशिया कप और वर्ल्ड कप में आगे लेकर जाएं। तो आपने लोगों की बातें सुनी, लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, ज्यादातर लोग खुश हैं कि एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर चार मैचेस तो हो रहे हैं, तो खुश होना चाहिए, क्योंकि ऐसा डर था कि शायद पाकिस्तान के अंदर कोई मैच ना हो। और दूसरी बात जो वर्ल्ड कप से रिलेटेड थी, लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, लोग कहते हैं कि भाई जहां मर्जी मैच हो, जैसा मर्जी कंडीशन हो, पाकिस्तान को बगैर डरे खेलना चाहिए, क्योंकि प्लेयर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए कंडीशंस मैटर नहीं करती, उन्होंने अपनी गेम खेली है, वो इंशाल्लाह जीतेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ के जिसको कहते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट और तरक्की करे, फिलहाल के लिए ज़्यादा दीजिए, अल्लाह हाफिज़।